यार ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है। टाइम हो गया हुआ है तुम्हारा पूरा, मुक्ति जा चुकी है कंप्लीट शॉक में, पाप जरूर लगेगा तुम्हें। भाई फ्रेश मत करियो यार। फाइनली जाके वो दिन आ चुका है जब हमारी ये वीडियो बन रही है लिविंग इन वॉशरूम फॉर 24 आवर्स। हमने एक चैलेंज किया था 60 मिनट चैलेंज फूडी में पे, जिसमें हम गलती से हार गए थे। गलती से हमेशा की तरह मेरे साथ गलती ही होती रहती है, जीतता रहता है ना। तो उसमें हमें पनिशमेंट मिली थी कि हमें रहना पड़ेगा वॉशरूम में 24 घंटे और मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मैं जीता था। मेरी विक्ट्री है, मेरी ट्रॉफी ये है कि मैं आज इम्यून हूँ। तभी इतना खुश दिखाई दे रहा है। अच्छा खाने को देते रहना, मतलब हेल्प करते। देखो जी जल्दी से करते हैं इस चैलेंज को शुरू करना, हमें प्लीज थोड़ी तैयारी करने दो। हमें बाथरूम को देख के ऐसी फील है कि वो अपने कमरे में सो रहे हैं। रेनोवेट करना है क्या? इन दोनों को 30 मिनट्स दिए, जो भी इन्होंने तैयारी करनी है कर ले, उसके बाद 24 घंटे होते हैं शुरू। मुक्ति मैंने पर्ची बना ली हुई है क्या क्या चीजें हमें वॉशरूम में चाहिए होंगी कम्फर्टेबल डे व्यतीत करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास है सिर्फ आधा घंटा, तो तू एक काम कर, स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, तू बाहर से चीजें खरीद के लेके आ, मैं मीनवाइल वॉशरूम को थोड़ा बेडरूम फील दे देती हूँ। मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो रहेगी खाने की, और सबसे इजी ऑप्शन क्या है? कप नूडल। मैं यहाँ पे बिछाने लगी हूँ नीचे अखबार। अगर 24 घंटे हमें निकालने है ना तो थोड़ी सी मतलब बेडरूम वाली फील देनी पड़ेगी, नहीं तो इतने घंटे यहाँ पे व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई साहब सामान हमने खाने का सारा ले लिया, मैं ये देखता हूँ मुक्ति मैडम ने बाथरूम को बेडरूम बनाया कि नहीं। कैटल और ना कुछ बर्तन ले लेते, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे मुझे लग रहा है। वॉशरूम इतना ज्यादा गंदा हो रखा है ना, ये चैलेंज ओंकार और आदित्य को मिलता था, उन्होंने गंदे वॉशरूम में सो जाना, बट मैं बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, साफ सफाई करूंगी तभी रहूं। मुक्ति आई हैव ब्रॉट ऑल द खाने पीने की स्वाद स्वाद अच्छी अच्छी चीजें, ये ले अब मेरे को दिखा मेरा बेडरूम कैसा दिख रहा है। क्या बात है, गमले गमले क्या बात है, ये तो मेरा असली बेडरूम में नहीं है। कोल्ड ड्रिंक क्या बात है, केटल एक और गमला, पानी की बोतल, घर में जो जो चीजें निकली मैंने सारी सारी सजा, गद्दा भाई साहब यार ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है। ये ओंकार के साथ होता ना अगर मेरा चैलेंज तो बहुत आसान होना था। अब मुक्ति करेगी ये चप्पल बार, तू तो अभी निकालने लगी तो चैलेंज शुरू भी नहीं हुआ। क्या यार यहाँ पे लैटरिन बना दिया इन्होंने बहुत ही ज्यादा फैंसी, और अंदर जाने से पहले जूते उतारने पड़ेंगे। ओ मैडम हेलो 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 हेलो, टाइम हो गया हुआ है तुम्हारा पूरा। भाई कहाँ पे है? ओ ओ ओ, 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 ओ इधर आ, तो टाइम हो गया, कुछ नहीं उठाना कुछ नहीं उठाना, इधर आ जा आ जा आ जा आ जा। अरे मेरी टोपियां रहेंगी उसमें। देख लैपटॉप मिल गया मैंने, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। फाइनली जाके चैलेंज होता है शुरू और मुझे मिलती है आजादी। भाई साहब जब से मेरी शादी हुई है ना फ्रीडम है ही नहीं है। अब यहाँ पे टीवी लगाऊंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, चिल करूंगा और इनको बहुत ही ज्यादा सताऊंगा। चैलेंज हो गया है हमारा शुरू और देखो हम बैठ गए अपने वॉशरूम में आके, खाने की चीजें तो ले आया है, मन नहीं कर रहा है। सही बात है, थोड़ा वेट करते हैं, मैं लैपटॉप लाया हूँ, इस पे थोड़ी देर में मूवी लगाएंगे। सच्ची बताऊँ कभी कभी ना मैं बिस्किट वगैरह से खा रहा होता हूँ, चिप्स खा रहा होता हूँ और मुझे वॉशरूम जाना होता है ना, तो मैं उसको रख के आता हूँ कि वॉशरूम में खाने में थोड़ा वियर्ड लगता है। ऑब्वियसली अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करना। मूवी मेरे पास एक बहुत ही गजब की है, मैं कोई पुरानी मूवी देखता है, मैं कह रहा हूँ वो देखते हैं। अभी एक लेटेस्ट आई है ना, किसी का भाई किसी की जान। आ रहा हूँ बेटा मैं तेरे पास आ रहा हूँ। 4 घंटे बर्बाद करने के बाद तो गाइस किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद मुक्ति जा चुकी है कंप्लीट शॉक में। नीचे कमेंट करके लिख दो जस्टिस फॉर मुक्ति। ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें नींद आती है बहुत ही बढ़िया। हम इतने ज्यादा इस टाइम वेले हैं कि हमें तो और ज्यादा आ रही है। यार आदित्य फ्लश के ऊपर तो चीजें मत रखी, तो कितना गंदा है यार। मुक्ति कुछ नहीं होता, सब हमारे दिमाग में है, एवरीथिंग इज इन आवर हेड। पिल्लो भी एक ही है, ओंकार से पिल्लो मांग ले। ओंकार मेरे प्रिय पति, पतियों के पति, प्लीज मेरे को एक पिल्लो दे दो एक्स्ट्रा। कह रहा देता हूँ, मैं तो शॉक हो गई, तेरा पति तो अच्छा कब से हो गया, दे रहे हो? एक शर्त पे दूंगा। क्या शर्त पे दोगे? पहले यहाँ पे तू 20 उठक बैठक लगा। उठक बैठक क्या, उठने की जगह नहीं है, उठक बैठक कैसे लगाऊं मैं? तभी तो चैलेंजिंग चीज बोल रहा हूँ ना, बैठक पिल्लो दूंगा बिल्कुल। तेरे को बोल रहा हूँ और किसको बोल रहा हूँ? सोने के लिए पिल्लो मांग रही हूँ, उठक बैठक लगाने के लिए नहीं पिल्लो। अगर सोना है तो उससे पहले उठक बैठक करके कुछ तो खोना है। अगर मैं लगा दूं 10 उठक बैठक, 20 बोला मैंने पहले, 20 10 लगा लो, 10 लगा लो यार। एक तो गर्मी इतनी है, वो तो भगवान का शुक्र है पंखा है वो भी
भी ऑन नहीं है बट 10 चल लगा ले 10 चलो 1 2 3 4 पजामा की बैठ गया 5 6 7 8 9 यस यू विल डू दिस 10 वेरी गुड ये ले ओ थैंक यू लव यू मैं हवी नबी लव यू मेरे से 10 रुपए बेटा करे लव यू प्यार मोहब्बत लग जाके दिखाना नींद में आ गई सारी हेलो मेरे पैर सुन यार पैरों में से बदबू ही आती कभी सुने वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही पैरों में लैपटॉप पे मूवियां देखी जा रही लैपटॉप भी चक्के ले गया तेरा बेवकूफ जीजा ना लैपटॉप उठा के ले गया मेरा बेवकूफ जीजा तेरा बेवकूफ दी थी हमारे पास और भी गेमें पड़ी है टेंशन मतलब बहुत टाइम पास की चीजें सो जा इनको घंटा वर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें 24 घंटे बाथरूम में रहना आराम से सोए पड़े घोड़े बेच के और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख मैं अपने लिए तो कुछ खाने के लिए मंगा रहा हूँ इनको चिढ़ा चिढ़ा के खाऊंगा थैंक यू ओए होए 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 क्या बात है देखो जी डोमिनोज का पिज्जा तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्वाद परंतु आज स्वाद दुगना आएगा क्योंकि दो भुखड़ों को चढ़ा चढ़ा के ये पिज्जा खा के ना अलग ही आनंद आने वाले ला 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 ओए भूख तो नहीं लगी लगी है बहुत ज्यादा यार कैसे उठ गया दोनों भुखड़ एक स्लाइस तो दे दो क्या ही ज्यादा मजा आएगा ऐसे बैठे हुए वो दो दो और यहाँ से मैं पिज्जा का स्लाइस अभी निकालूंगा पैसा तुम्हें सच्ची बताऊं ऐसी गजब की खुशबू आ रही है बहुत स्वाद है बहुत स्वाद टेस्ट भी बहुत अच्छा है खुशबू के साथ साथ मेरी बदुआ लगे ना लगे पाप जरूर लगेगा तुम्हें पाप लगता है क्या गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा लगता है पाप और डंडा भी लगता है लगेगा बाद में हम लाए कप्पा नूडल तो एक मुक्ति का और एक मेरा है हम ये बनाने लगे हैं पर अगर हो सकता ना तुम हमें एक स्लाइस दे सकते थे इतना लालच भी अच्छा नहीं है ले 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 लूं इन दोनों की नजर इतनी ज्यादा बुरी है ना कि सच में मुझे पचेगा नहीं ये वेज है ना पक्का ये गोल सब इस चीज का है नॉनवेज आ गया है नॉनवेज आ गया शायद गलती से चल मुक्ति तो खा लेगी खा लेती अब तुम्हें तो बताता हूँ कोई नहीं मैं अपने नूडल लेके खाऊंगा मुक्ति अगर तूने ये खाया तो तेरे को नूडल बंदा यही बोलता है जब उनको खाने को नहीं मिलता ना स्वाद नहीं है मुक्ति केटल में पानी गर्म कर दे फिर दोनों नूडल खाते हैं बढ़िया बढ़िया कौन कौन से नूडल लाया हूँ थाई ग्रीन करी वाले लाया हूँ मैगी के चिली चाउ मल्टीग्रेन हलवा मुक्ति के लिए सुबह के लिए ओट्स की मखाने लाया हूँ पॉपकॉर्न लाया हूँ पता नहीं क्यों एक नमकीन लाया हूँ स्नैकिंग करने के लिए कप नूडल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं पर सही मैडम ने ना ये सीजनिंग भी नहीं डाली और ये ऑयल भी नहीं डाला उसके अंदर ये डालूंगा मैं इसमें ये रहे नूडल्स खा के देख कैसे हैं तेरे को कप नूडल पसंद नहीं है ना ये तो अच्छा लग रहा तो ये बहुत गर्म है और ये बहुत बेकार है दिखा ये खा के देख मैगी वाले ये थाई करी वाले अच्छे हैं मैगी वाले नहीं इतने स्वाद भूख लग रही है खाने पड़ेंगे ये चैलेंज करते करते दिन से रात हो गई हुई और मेरे लिए चैलेंज करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है टॉयलेट में वो दोनों है परंतु एक दूसरे की कंपनी के साथ है और मैं बाहर अकेला हूं बोर हो रहा हूं बहुत ज्यादा अब इनको तंग करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आजकल एक गाना बहुत ज्यादा चल रहा है इनको सुनाते हैं और टॉर्चर करते हैं आर यू हैविंग अ गुड टाइम वेरी गुड टाइम खाने के अलावा कोई और काम भी कर ले मेरे पास कोई काम नहीं है मेरी बहन की सुंदर पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ मैं लोगों को जिसको ये नहीं पता कि खिड़कियाँ कैसे बनानी है अच्छा लड़कियों के पास बहुत कुछ होता है करने को मेरे पास कुछ ही नहीं करने को मुझे थोड़ी देर में दिमाग में आता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ फिर मैं तो भाई फ्रेश मत होइयो यार सब कंट्रोल हाँ पहले मैंने सोचा था अपनी आजादी एंजॉय करूंगा नेटफ्लिक्स देखूंगा मूविया देखूंगा पर एक पॉइंट के बाद नहीं देख सकते हो आप मेरा मन कर रहा है मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं पर जगह कुछ ज्यादा ही गंदी है मैं नहीं आऊंगा यार ये क्या खोया हुआ है पीछे लूडो लाए हमारे अपने लिए चल मैं तुम्हें गाने सुनाता हूँ तब तक मैं तो पार्टी शुरुआत में ये गाना बहुत अच्छा लगता है बट इसी को रिपीट पे जब तुम सुनोगे ना तब पता चलेगा क्या टॉर्चर है रही थी मैं तो रही थी मुझे ओंकार भी बुलाया करता पार्टी कर रही थी फ्यू सॉन्ग्स लेटर 15 मिनट से एक ही गाना चल रहा है कान खराब हो गए मेरे एक एक लिरिक याद हो गए मुझे इस गाने का बंद कर दो यार प्लीज टॉर्चर बैन ही ले रहा तुम लो टॉर्चर दरवाजा बंद करके भी आएगी आवाज कम हो गया बट बहुत इरिटेटिंग है मतलब एक गाना दो तीन बार सुन सकते हो भी ऐसा गाना इतनी बार सुनना बहुत मुश्किल काम है फ्यू मोर सॉन्ग्स लेटर बंद कर दो 100 रुपए दूंगा 150 रुपया देगा कम से कम 150 बार गाना सुन चुका हूँ मैं ये भाई साहब ओंकार के गाने तो बंद होने से रहे और ओंकार का लैपटॉप होता ना बाहर से कुछ मार के बंद भी कर देता लैपटॉप मेरा है आ गया तेरा पति आ गया ओंकार सीरियसली तो बहुत इरिटेटिंग लग रहा है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है पहले तो बड़ा मजे कर रही थी बड़े नाच रही थी अब क्या हो गया थोड़ी देर के लिए
ठीक है, बट ये मतलब थोड़ी कि तुम लगा के रखो घंटे, तुम आ जाओ वॉशरूम में, तुम एक बार रह के देखो। चैलेंज अब तो जीता नहीं गया, अब पनिशमेंट आ रही है तो औखी हो रही है। दरवाजा बंद करके कुंडी लगा, तुम जाओ। क्यों जाओ, मैं बोर हो रहा हूं। मैंने सोचा था तुम्हें इरिटेट करूंगा, मैं खुद इरिटेट होने लग गया गाने से। मुझे तो लगा ये बंदा गाड़ी लेके भाग ही गया। जब तुम मेरे को किचन से घड़ीस के लाए थे ना, मैंने रेची का पैकेट डाल लिया था जेब में, तो चाय बनाने लगे। तुम जाओ, बोर हो, हमारे बिना तुम्हारी भी जिंदगी बोरिंग है, पता है हमें। एक ही कप है, देख ले, शेयर करके पीना पड़ेगा। सो गाइस, मैं हूँ मुक्ति गौतम, या आदित्य गौतम। हमारा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है जिसका नाम है ओम धातु, और ये है हमारी बेस्ट सेलर चाय रेड टी। नीचे लिंक दे देंगे, जिसने खरीदनी हो खरीद लेना। हर्बल टी चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब जिनको ग्रीन टी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है ये ट्राई करना। आप बोलोगे मुक्ति लव यू हो गए ओम धातु के साथ। मैं तो बाथरूम में आ सकता हूँ, ये थोड़ी बाहर आ सकते हैं। जीजा जी, लूडो खेलोगे? तो एक एक लूडो का मैच लग जाए। बल्ले से आवाज आती। ये ब्लू वाली जो गीटियां हैं, ये जीत चुकी हैं, जो कि मेरी गीटियां थी। एक नंबर नहीं आया मेरा भाई। लूडो इतनी इंटरेस्टिंग गेम है ना। तो इस लूडो खेलने के बाद अब बारी आ गई है सोने की, और मेरी लोअर बैक में हो रहा है बहुत ज्यादा दर्द, क्योंकि ये गद्दा है बहुत ज्यादा पतला। पीछे ये जो मार्बल टाइल ऐसी लगी हुई है, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड है। इन पे बैक लगा रहा हूँ तो उसमें भी पेन हो रहा है। मुझे नहीं पता मुझे रात को नींद आएगी कि नहीं। मैं तो जी लगा हूँ बेड पे, अब आराम से चैन से सोने। अगर मैं उनकी जगह होता ना भाई, अब तक तो मेरी हालत हो जाती खराब। सुबह देखेंगे उनके क्या हाल है। सुबह के 8:04 हो रहे हैं। रात को मैं कम से कम 4-5 बार उठा हूँ, और मेरे को इतनी ज्यादा बैक पेन हो रही है ना, और ऊपर से साथ में ना हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सुबह से ड्रिल की मशीनें की आवाज आ रही है, मेरे को सुसू आ रहा है, मुझे पोटी आ रही है, और अभी 8 रहे हैं और इतनी जोर से प्रेशर आ रहा है ना। सोते टाइम तक तो ठीक था चैलेंज, बट अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब वॉशरूम में रहना बहुत मुश्किल हो गया। 1 hour later भाई, भूख लग रही है यार। अपने पति से भाग ले कुछ खाने को। पानी भी नहीं है। ओंकार को आज मार पानी देके जाएगा। पानी दे दो प्लीज, पीने को पानी नहीं है। बहन से पानी क्यों पीना है, पोटी आएगी। मैं पानी पीना छोड़ दूं। ओंकार भाई, कितने बजे तक का चैलेंज अपना? जीजा जी, 11 बजे शुरू किया था हमने। 9 बज गए। ओंकार भाई, ओंकार भाई उठो, इधर आओ ना फिर उठ के। सुबह के 9 हैं और मैं अच्छे से सो रहा था, पर ये पीछे बैकग्राउंड में आवाज सुन सकते हो। सब तंगी करने लग गई है। वेरी गुड, अच्छी वाली नींद सो रहे हो तुम तो। अपनी बीवी के लिए पानी ले आओ। सुबह हर दिन कॉफी देती हूँ ना, पानी तो दे सकते हो। ये पानी आ तो रहा है यहाँ पे, ये पी ले। अच्छा, अगली बार इसको ये एक बार तुम पी के दिखाओ पानी। ग्लास ये तुम्हारे पास, ये केटल पड़ी है, इसमें उबाल के पी लो। एक बोतल भर के दे दो, क्योंकि फ्रेश तो हम वैसे भी नहीं हो सकते। इस चैलेंज में सोचा तो मैंने ये था कि मुक्ति और आदित्य को करूंगा मैं बहुत ज्यादा तंग, पर इतने ज्यादा ढीठ और बेशरम है ना, इन्होंने मुझे ही तंग करना शुरू कर दिया हुआ है। जल्दी से इनको पानी देते हैं। थैंक यू। इधर खड़े होने की जगह नहीं है, योगा कर रही है। इसको देख देख के मुझे पोटी आई जा रही है, बताओ। ये सब लोग चीजें करते हैं प्रेशर लाने के लिए, हमें रोकना है प्रेशर। ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स लाया था बने बनाए, इसमें गर्म पानी डालना है बस। मेरे को नहीं पता ये दोनों कैसे बाथरूम में रह रहे हैं, और सुबह उठ के इनको फ्रेश नहीं होना है। मेरे को तो उठते ही आ जाता है, ये अलग ही सिस्टम है इनका यार। जब तक पानी गर्म हो रहा है ना, एक मुक्ति से मैंने आसन सीखा है जिससे आपकी पोटी ऊपर चढ़ जाएगी दोबारा से, आपको आएगी नहीं। आपने कुछ नहीं करना है, सिर नीचे कर लेना है और टांगे ऊपर कर लेनी है, ताकि पोटी वापिस चली जाएगी, फिर वो अगले दिन आएगी। यार आदि, मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारे पास 2 चम्मच थे और 2 प्लेटें थी, अब 1 चम्मच और 1 प्लेट रहेगी। पहले मेरे पास लैपटॉप भी था। ये सारी तेरे पति करम आता है, मुझे लगा धीरे चीजें चोरी कर रहा है हमें तंग करने के लिए। हमें तो पता ही नहीं चला ये खेलने खुलने नहीं आता हमारे साथ, ये चीजें चोरी करने आता है। जेब में डाली प्लेट उसने, ये खिड़की देख रही है, ये खिड़की दिखानी थी। ये खिड़की के जो जाले है ना, इसके अंदर से एक खाने का डब्बा आराम से आ सकता है। तो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, और उई मकड़ी, पिज्जा या फिर सबवे, जी एक चीज बता। हाँ, सबवे ठीक। सबवे ऑर्डर कर ले, सबवे ऑर्डर करते हैं यहाँ से। पिज्जा नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया को यहाँ तक लाना, तो चल वो तो फोन पे कोऑर्डिनेट कर गाइड कर लेंगे ना उनको। तूने पहले ये वाले खाए है कभी? नहीं, मैंने भी नहीं खाए। खुशबू ऐसी
बहुत एवरेज थे। मैं कह रहा हूँ इसको छोड़, आधे घंटे बैठ के आराम से सब पे खाएंगे अपना। हाँ जी भैया, आप घर के बाहर हो? आप एक छोटा सा काम करोगे, आप ना बेल मत मारना, ये लेफ्ट में एक घर की कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, खिड़की से लेना भैया, वो ना गेट लॉक हो गया हमारा बाहर से ना। अच्छा आ रही आ रही, आपकी आवाज आ रही है। ला भैया, थैंक यू पार्टी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये हमें कल पता होता सिस्टम, मेरे दिमाग में आइडिया आ जाता तो हम कल भी बाहर के ऑर्डर करके खाते। अवकार भाई ये देखो, अरे यार ये चीटिंग है, हमने इतनी मेहनत से ऑर्डर किया है। हमारे लिए पिज्जा मंगाया था तुमने, नॉन वेज पिज्जा मंगाया था, बाइट खाई है मैंने, वो भी अच्छा ही था। तो मुझे अच्छा मंगा के ला दो, जाओ आ जाओ, थको तो अपना ऑर्डर करो, चलो चलो चलो। इसको बेचारे को भूख लगी होगी, उसकी बीवी नहीं है ना आज कॉफी बनाने के लिए, बीवी बाथरूम में बिजी है। कॉल दे भाई, दरवाजा तोड़ रहे हो, वी आर लविंग वॉशरूम। भाई साहब अंदर से बात कर रहे हो, तुम अंदर आके खाना मांगोगे ना हमसे? मैं अपना बना लूंगा, जाओ भाई। चलो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ गया, जल्दी से खाते हैं और उसके बाद हमारा एक घंटा रह जाएगा बस, और वो हमने किसी तरह निकालना है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हमने अपना सारा कुछ रोक के रखा हुआ है। चैलेंज जो है ना वो बस खत्म होने ही वाला है, और अब मुझे लग रही है बहुत ज्यादा जोरों शोरों से भूख। ऑप्शन है मेरे पास, वो है जी ये सुखी ब्रेड जो कि मैं नहीं खाऊंगा, एक और ऑप्शन है जो है जी 3x स्पाइसी नूडल्स, ये भी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होते हैं। तो सोच रहा हूँ कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, चेक करते हैं अपने आखिरी कुछ मिनट कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ओ तेरी दी, अब जाके तुझे याद आया नेल पेंट लगाने का? भूल गई थी यार, मैं भूल ही जाती नेल पेंट की लगानी है, हर बार के काम है मेरा। सिर्फ 5 मिनट बचे गाइस, इस वीडियो पे कर दो 200,000 लाइक, ओंकार अकेला वॉशरूम में रहेगा 24 घंटों। कुछ भी लाइक आगे तो करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या चैलेंज दिया मुक्ति, वेरी गुड, मेरी नेल पेंट वेरी गुड। मतलब वैसे देखा जाए ना 200,000 का लाइक टारगेट ठीक है, अगर 200,000 लाइक आ गए तो मैं कर दूंगा। और अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, चलो भाई पैकिंग शुरू हो गई हुई है। देखो ये सफाई करनी बहुत जरूरी है कि जैसी टाइम हो मैं आराम से बैठ के फ्रेश हो सकूं। दिमाग में ना दिमाग नहीं है, नहीं मेरे को भी ठीक लग रहा है यार। मुक्ति तेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, मैं चैलेंज से पहले इतना खा चुका था कि वो निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। हो गया, मुक्ति तो गद्दे में लेट गई हुई है, आदित्य गद्दे बाहर निकाल रहा है। बाय 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 बाय, टेक केयर, हैंग ऑफ द सारा सामान बाहर तो निकाल ले, मेरे को पहले अपना सामान बाहर निकाल लेते, फिर तू अपना सामान बाहर निकाल ले। सारे लड़के ना गंदे बंदे होते। तो गाइस आई होप आपने ये चैलेंज किया हो एंजॉय, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है रीति रिवाज करना है पूरे, जिसमें वीडियो को लाइक करना होता है, दोस्तों का शेयर करना होता है, कमेंट करना होता है, ऐसे चैलेंजेस आपके लिए और आते रहेंगे। ओए जल्दी हो गया फ्रेश, मजा ही आ गया जिंदगी की, जल्दी तो नहीं था, रास्ता ढूंढ रहा था ना, बताया तो था मैंने।